नमस्ते दोस्तों एंड हाय फ्रेंड्स, निबंध लेखन के सेकेंड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। एंड आज जो मेरे विषय का फोकस हो कि निबंध के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और कैसे जो है आप एक प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं, तो ये ट्यूटोरियल है कि निबंध के रूप को कैसा होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए कि आप और क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप बढ़िया से बढ़िया निबंध लेखन करें। पहले ट्यूटोरियल में आपको बताया कि उसकी तीन बातें होती हैं, प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार। तो इन सब चीज़ों में वर्ण्य विषय का मतलब जिस विषय के बारे में आप लिखने वाले हैं। दूसरी आती है आपकी भाषा शैली और उसको आप कैसे प्रस्तुत करें। तो ये तीन चीज़ें जो है आपके बढ़िया रूप प्रेजेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण्य विषय की कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है, दूसरा है आपकी जो है भाषा शैली लैंग्वेज और तीसरा जो है प्रेजेंटेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी ऑप्शन होंगे आपके एग्जाम के लिए उसमें से जो है आपको एक विषय चुनना है। तो जो विषय आपने चुना, आई एम श्योर आप वही विषय चुनेंगे जिसके बारे में आप कुछ जानते होंगे, है ना। तो जब विषय को चुन लेते हैं तो सबसे पहला काम तो आपका हो गया। द सेकेंड थिंग विच यू रियली हैव टू डू इज कि जो भी विचार उससे जो रिलेटेड चले आ रहे हैं उसको आप जो है फटाफट जो है लिखते चले जाइए। इसको भाषा में कहते हैं संकेत। दैट इज यू आर मेकिंग योर पॉइंट्स, यू आर राइट फॉर द एसे, है ना। तो आपको जैसे ही आपको टॉपिक मिल जाए आपको 5 मिनट बिल्कुल शांत होकर जो भी बातें आपके दिल में आ रही हैं, जो भी बातें आपके मन में आती चली जा रही है उसको आप लिखते चले जाइए, क्योंकि वही आपके एसे का मेन पोर्शन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपके निबंध में निखर कर आएंगे। तो इनडायरेक्टली व्हाट आई मीन इज यू स्टार्ट मेकिंग अ माइंड मैप, ठीक है। उसके बाद जब माइंड मैप बना लेते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कि आप विषय का प्रतिपादन कैसे करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योर टॉपिक। दूसरी जो है आपकी भाषा शैली। व्हेन आई टॉक अबाउट भाषा शैली इट मींस यू शुड हैव गुड वर्ड्स, शब्द होने चाहिए आपके, वाक्य जो हैं वाक्य विन्यास उसे कहते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर इन अदर वर्ड्स कैसे होना चाहिए। तो जब आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो यू शुड कीप इन माइंड ऑल द पर्यायवाची चीज़ यू हैव लर्न्ड, द उपसर्ग एंड द प्रत्यय। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि जब आप उसके आगे उपसर्ग लगा देते हैं या प्रत्यय लगा देते हैं तो बहुत सुंदर हो जाता है। तो ऐसे शब्दों का आप चयन कीजिए। वाक्य विन्यास की बात हम करते हैं तो कीप द सेंटेंसेस सिंपल, वाक्य को जो है आप सिंपल रखिए ताकि वो इफेक्टिव रहे, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी जो है विषय में आप विषय से दूर हो जाते हैं। तो ट्राई टू कीप योर सेंटेंसेस वेरी वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। भाषा, व्हेन आई से शुद्ध भाषा आई मीन कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। जब स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो यू नो रेड 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 साइंस एंड एग्जामिनर जो है वो खुश नहीं होता है। तो आप अच्छे स्पेलिंग्स का जो है अभ्यास कर लें, अच्छे स्पेलिंग्स जो हैं सही स्पेलिंग्स लिखने की कोशिश करें। विराम चिन्ह जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, कोमास हैं, यू नो पूर्ण विराम जैसे हम कहेंगे हिंदी में, और जो है अर्ध विराम जो है, इनका सबका आप प्रयोग ज़रूर करें। तो द लास्ट वन विच यू रियली हैव टू मेक श्योर इज़ कि आप उसको निबंध को पढ़िए, बार एक या दो बार तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप बहुत सी छोटी छोटी गलतियों को दूर कर पाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं और कभी कभी यू मिस आउट ऑन अ पॉइंट बिकॉज समटाइम योर माइंड इज़ रनिंग फास्टर देन योर राइटिंग। तो कभी कभी पॉइंट्स छूट जाते हैं, कभी कभी स्पेलिंग्स जो हैं बहुत सिंपल स्पेलिंग्स जो हमें आती हैं उसमें भी हम मिस्टेक्स कर जाते हैं, कभी कभी जो कुछ अच्छी थॉट्स आए होते हैं वो हम नहीं लिख पाते हैं। और फोर्थ थिंग कनेक्टिविटी का पता चल जाता है कि आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो। इज़ योर, जैसे आप पहले आप विषय वस्तु के लिए जब आप पॉइंट्स बनाए होंगे एंड उसको आप पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं तो हाउ वेल कोऑर्डिनेटेड या हाउ वेल इज़ योर स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे, कि कैसे उसका स्ट्रक्चर बना है। तो ये सब बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो दो तीन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ निबंध लेखन वुड बी टू सेलेक्ट योर टॉपिक,
यूज़ गुड भाषा शब्दों का प्रयोग रखिए, वाक्य विन्यास जो है आपका अच्छा होना चाहिए, वाक्य को सरल रखिए, हाँ मुहावरों का प्रयोग कीजिए, गुड स्पेलिंग्स रखिए, उपसर्ग और प्रत्यय का यूज़ करते हुए जो भी आप कर सकते हैं. लास्ट थिंग वुड बी टू रीड एंड रीड एंड एम्फसाइज योर पॉइंट. आई होप कि आपको जो है ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा. एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं हर एक चीज़, जैसे विषय वस्तु है, प्रस्तावना है, उपसंहार है, इसमें किन किन पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, वो मेरा थर्ड ट्यूटोरियल होगा. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है, बहुत आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ चिल्ड्रन लाइक इट एंड कमेंट ऑन इट, सब्सक्राइब इट. आपका कोई भी संदेह होगा तो प्लीज़ राइट बैक टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद योर डाउट्स. थैंक यू सो मच.